नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो फिर से आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट के एक जॉब लेके आया हूँ, और वो भी सीआरपीएफ का। आप सभी जानते हैं सीआरपीएफ के बारे में, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसमें आपको अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। 9212 वैकेंसीज है, जो टोटली कंस्टेबल के लिए है, और टेक्नीशियन और टेक्निकल और ट्रेड्समैन के ऊपर पोस्ट है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के बारे में। तो उससे पहले टेलीग्राम को जरूर जुड़ जाना, क्योंकि प्रीवियस जो जॉब आपने मिस कर दिया वो आपको टेलीग्राम में जरूर मिलेगा। और मेरा नया सीरीज कंप्यूटर स्किल का, वो भी देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे कंप्यूटर स्किल मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट भी कर रहा है, सर डिटेल्स वीडियो बनाइए, मैं जल्द से जल्द डिटेल्स वीडियो भी ले आने वाला हूँ। तो आपका कमेंट जितना ज़्यादा आएगा उतना ही मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जहाँ पे आपको दिया गया है। तो 25 अप्रैल से पहले इसको अप्लाई करना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। 9212 वैकेंसी दिया गया है, और जिनमें से आप देखेंगे कंस्टेबल के लिए पोस्ट है, कंस्टेबल के लिए जो पोस्ट है वो मेल के लिए 9105 वैकेंसीज, और फीमेल के लिए 107 पोस्ट दिया गया है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए देखिए 9105 वैकेंसीज, और जहाँ पे ड्राइवर पोस्ट है, मोटर मैकेनिक्स के पोस्ट है, देख सकते हैं कोबलर के पोस्ट है, कारपेंटर के, टेलर के, तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट है, जैसे पाइप बैंड के लिए। साथ ही साथ और भी देखिए कुकिंग डिपार्टमेंट में, पेंटर में, वॉशमैन में, बार्बर में, तो अलग अलग पोस्ट है। तो सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे, सब पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही पोस्ट जॉब मिलेगा। तो फीमेल्स के लिए 107 पोस्ट दिया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे भी, हेयर ड्रेसेस। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सफाई वाला, मतलब सफाई के काम में, साथ ही साथ कुकिंग डिपार्टमेंट में, तो इस तरीके से पोस्ट आपको दिया गया है। तो एज लिमिट जो है वो 21 से 27 साल तक, और ऑल अदर्स कैंडिडेट के लिए 18 से 23 ईयर्स तक। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स को एक्सटेंड किया गया, और एससीएसटी के लिए 5 ईयर्स एक्सटेंड किया गया। तो मैं जरूर कहूँगा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी टेस्ट सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। तो सीबीटी टेस्ट के बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा। सैलरी पैकेज के बारे में बात करूँ तो 21,700 से करीबन 69,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। तो जनरल कैटेगरीज में 100 रुपीज़, एससीएसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, देखिए ड्राइवर पोस्ट के लिए सिर्फ आपको 10 स्टैंडर्ड, और उसके साथ आपको हेवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस, मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस और लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और सिटी में यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स के ऊपर 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड आप पास आउट कर चुके हैं, और 1 साल के आपको एक्सपीरियंस है, और आईटीआई भी आप पास आउट कर चुके हैं, तो आप जरूर अप्लाई करिए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो आदर्श जो ट्रेड्समैन का पोस्ट है उसमें भी 10 पास लेवल होना चाहिए, और एक्स आर्मी मैन भी, देखिए एक्स आर्मी पर्सन भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जॉब का पूरा डिटेल्स, इसका लिंक आपको नीचे में दे दूंगा जॉब के नीचे, तो आपको ये दोनों लिंक मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा, तो इस पेज में जाकर आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्टर में क्लिक करना है। तो रजिस्टर क्लिक हर में क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको रजिस्टर ना करेंगे तो आप अप्लाई बटन में क्लिक नहीं कर पाएंगे, लॉगिन में क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्टर में क्लिक करना तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो इस फॉर्म को जाकर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप सारे डिटेल्स भर दीजिए, उसके बाद आप रिव्यू करके देख लीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि वो उसको भी पता चले कौन सा जॉब कब आ रहा है। इतने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।